आज हमने जो है वो बेटा सेकंड लेक्चर है इसका, यूनिट नंबर 5 का। इसमें हमने डिस्कस करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड। जो है लास्ट टाइम हमने सारे टॉपिक डिस्कस किए थे, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो सिंपल पेंडुलम है। नाम सिंपल पेंडुलम है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जो है वो सिंपल भी आ सकते हैं और थोड़े टफ भी आ सकते हैं। हो सकता है कि उनका जो थोड़ा बहुत जो लेवल है वो चेंज हो जाए, तो वो साथ साथ आप लोग नोट डाउन करना है कि वो क्या है। सिंपल पेंडुलम जो है, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने नोट डाउन करना है कि यहाँ पे देखें, ये तो सिंपल फिगर है। इसमें आपको पता है कि हम कहते हैं कि टेंशन जो है होती है वो अलोंग द स्ट्रिंग होती है। टेंशन अलोंग द, हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होती है। और जो जो टेंशन है ना, वो किसके साथ बैलेंस हो जाती है? एम जी कॉस थीटा के। यानी कि ये जो स्ट्रिंग में टेंशन इन द स्ट्रिंग होती है सिंपल पेंडुलम की, उसको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं करते। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो सिंपल पेंडुलम है, अगर हम इसका एंगल थीटा स्मॉल रखें, इसकी सपोर्ट फ्रिक्शन लेस हो, चूंकि इसमें रीस्टोरिंग फोर्स भी है, इनर्शिया भी है, सो ये वे जो है वो क्या परफॉर्म करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर से सुन लें, सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन कब परफॉर्म करेगा? अगर जो है ये जो थीटा है, यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो स्मॉल रखें, इसकी जो जहाँ से टाई किया उसको हम क्या करें, फ्रिक्शन लेस कर दें, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करें, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का यूज करें, तो इसके साथ जो है, चूंकि इसमें इनर्शिया और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों है, तो सारी कंडीशंस पूरी हो गई। हम कहते हैं कि सिंपल पेंडुलम जो है, डेट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। गैलीलियो जो है, इसने इन्वेंट किया था सिंपल पेंडुलम को, और इसकी जो कहता है मोशन ऑफ पेंडुलम विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ देर इज नो डैम्पिंग। डैम्पिंग मीन किसी किस्म की अगर इनर्जी डिसिपेशन नहीं है इस सिस्टम में, तो हम कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट जी, यहाँ पर अगर कोई कहे जी टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करें इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम एट एनी एंगल, तो वो एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगी। अगर वो मीन पोजिशन पे हुआ तो जाहिर है वो जो टेंशन है वो इक्वल टू क्या हो जाएगी? एम जी। जाहिर है यहाँ पर आप कॉस को जीरो लेंगे तो कॉस 0 1 हो जाएगा। तो मीन पोजीशन के ऊपर जो है वो जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है उसको हम कहेंगे कि वो टी इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी एंगल पर अगर वो टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करने के लिए कहता है, तो हो जाएगा टी इज इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ थीटा, चूंकि ये वाला कॉम्पोनेंट एम जी कॉस थीटा के साथ बैलेंस होता है टेंशन। और फिर बता दूं, टेंशन जो है इन द स्ट्रिंग उसको कॉम्पोनेंट में डिवाइड नहीं करते सिंपल पेंडुलम के केस में, चूंकि टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होती है। नेक्स्ट, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज कहता जी मैक्सिमम एट मीन पोजिशन, वही जो मैं बात कर रहा था कॉस 0 1, यानी कि मैक्सिमम होगी मीन पोजिशन पर एंड मिनिमम कहाँ होगी? एक्सट्रीम पोजिशन पर इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। अब इसके बाद अगर कोई आपसे पूछता है, ये बताएं कि सिंपल पेंडुलम के केस में रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? अब देखें ना, टी जो है टेंशन जो है एम जी कॉस थीटा के साथ बैलेंस हो गया, तो फोर्स का एक ही कंपोनेंट बचेगा, कौन सा? एम जी साइन थीटा। सो माइनस एम जी साइन थीटा इसकी रीस्टोरिंग फोर्स होगी। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा टूवर्ड्स दी मीन पोजिशन होती है। उसके बाद जी एफ इज इक्वल टू, चूंकि हम एम ए कहते हैं, एम एम से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर एक्सेलरेशन को पूछे सिंपल पेंडुलम क्या है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? ए इज इक्वल टू माइनस जी थीटा से हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो आप बुक का पेज 198 देखिएगा, आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहां पर एक टेबल गिवन है चैप्टर नंबर 9 में। उसमें कहते हैं जी फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, और थीटा अगर लेस देन 10 है, 10 तक जो है उसकी साइन थीटा की और टेंजेंट थीटा की वैल्यूज जो है वो क्या होती हैं? सेम होती हैं। फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा जो है हम कहते हैं साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली जो है वो क्या होगा? थीटा के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है वो हम एंगल की वैल्यू पुट करते थे और हमारे पास एक्सेलेशन जो है वो साइन थीटा की जगह एक्स ओवर एल पुट कर देते थे, तो ये आपके पास ए इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स भी बनता है। ये भी एक्सेलेशन का फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला भी आपने याद रखना है। और ये तो ऑलरेडी आपको पता है ओमेगा क्या होता है, स्केयर रूट जी ओवर एल, और ओमेगा जो है वो हम कहते हैं चूंकि 2π/T है, तो ओमेगा की अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें जी ओवर एल स्क्वायर रूट जी ओवर एल, तो यहाँ से आपके पास टाइम पीरियड आ जाता था। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपने रिवाइज करना है, सबसे ज्यादा चांसेस हैं किसी फॉर्मूले से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अब जरा गौर करें कि यहाँ पर जो है
हमारे पास जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के आ सकते हैं वो भी हम देखते हैं। उससे पहले ना कुछ फॉर्मूले ज़रा रिवाइज कर ले फॉर हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम। देखें जी, सिंपल पेंडुलम जो है वो मैस ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करता। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मैस ऑफ बॉब जो है सिंपल पेंडुलम की उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम मैस पे डिपेंड करता है। वो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के होता है। सो इन दोनों में ये वाला फर्क भी याद रखना है। ये ना हो कि आप एक ही टाइम पीरियड का फॉर्मूला जब उसको याद किया है और उसमें रटा शटा लगाया हुआ है और आपको पता है कि ये मैस ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करता, मैस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर वो सिंपल पेंडुलम की बजाय वहां पे मैस स्प्रिंग सिस्टम कह देता है, टाइम पीरियड ऑफ हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम, वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम, फिर जो आप टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी भी याद रखनी है। स्पीड जो है वी इज इक्वल टू एक्स नो ओमेगा स्क्वेयर रूट एक्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर और एक्स नॉट स्क्वेयर होता था, तो वही फॉर्मूला ये वही है, जस्ट यहाँ ओमेगा की वैल्यू पुट की है और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वेयर रूट के ओवर एम। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, तो देखिए मैंने बताया था कि जो ओमेगा ओमेगा इसकी वैल्यू 2 पाई ओवर टी भी होती है, इसकी वैल्यू 2 पाई एफ भी होती है, इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट के ओवर एम भी होती है। सो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू जो है अगर हम पुट कर देते हैं ओमेगा की जगह स्क्वायर रूट के ओवर एम, तो ये फॉर्मूला बनता है, यानी कि एक्स नॉट ओमेगा होता है ना, तो वी नॉट जो है वो मैक्सिमम स्पीड एक्स नॉट ओमेगा यानी अंडर रूट के ओवर एम। तो ये वाला फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी लिखें, इसी वाले फॉर्मूले को, इंस्टेंटेनियस वाले फॉर्मूले को, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टर्म में लिखें, तो इसमें से एक्स नॉट ओमेगा अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर क्या रह जाता है, वन माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर, तो एक्स नॉट ओमेगा की जगह जो है वो वी नॉट आपने लिख लिया है। तो वही मैंने क्वेश्चन आपको इस तरह का यहाँ करवाया था, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपने यहाँ जब एक्स की वैल्यू एक्स नॉट ओवर टू पुट की, तो एक्स नॉट ओवर टू पुट करने के बाद एक्स नॉट वहां से कॉमन लेके बाहर निकाल दिया था आपने, तो बाहर आके वो बना था एक्स नॉट ओमेगा, तो आपने एक्स नॉट ओमेगा की जगह क्या पुट कर दिया था, वी नॉट। इसका मतलब है आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई थी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने यहाँ पर, अब ये वाला फॉर्मूला भी उन्होंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का लिखा है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। अच्छा, अब कुछ सिंपल से कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड ही हैं, वो पेपर में आमतौर पर एमडी कैट के लेवल पे भी आते हैं, अक्सर एग्जामिनर जो है वो आप लोगों को यहाँ से ट्रैप करने के लिए कोशिश करता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बस याद रखनी है, उनके अकॉर्डिंग आपने आंसर दे देना है। नंबर वन, इन लिक्विड जो है द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज ड्यू टू अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, हेंस टाइम पीरियड टी इंक्रीज जो है इसमें, एंड फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखिए, अप थ्रस्ट का मतलब देखो, ये जो सिंपल पेंडुलम है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड जो है लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वैल्यू ऑफ जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अप थ्रस्ट का मतलब है अगर सिंपल पेंडुलम जो है इसकी बॉब को आपने लिक्विड में रखा है, किसी भी लिक्विड में, तो लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। ज़ाहरा ऑब्जेक्ट अगर आप कोई लो डेंसिटी का ऊपर फेंक देते हो किसी लिक्विड के ऊपर, तो जाहिर है वो ऊपर नहीं आ जाता। आप अगर स्विमिंग के लिए पानी में डाइव करते हो तो पानी की जो अपथ्रस्ट फोर्स है आपको ऊपर की तरफ लेके आती है, इसका मतलब है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही होती है। तो जरा गौर करें, अगर सिंपल पेंडुलम जो है इट इज सेट इन ऑसिलेशन और इसको आप किसी लिक्विड में लेके जाते हैं, तो लिक्विड की जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होती है, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ जी कम हो जाती है। तो वैल्यू ऑफ जी अगर डिक्रीज करेगी तो जाहिर है टाइम पीरियड क्या कर जाएगा, इंक्रीज। अगर टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या कर जाएगी, डिक्रीज करेगी। सो इफ इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, अगर हम इसको सिंपल पेंडुलम किसी लिक्विड में रख देते हैं तो याद रखना है चूंकि वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करती है, सो यहाँ से कंक्लूड कर लेंगे कि टाइम पीरियड इंक्रीज होगा जबकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सिंपल पेंडुलम इन अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हॉरिजॉन्टल यहाँ पर या वर्टिकल, दोनों सूरतों में हो सकता है, हॉरिजेंटल या वर्टिकल एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हॉरिजेंटल इस तरह से हो सकता है, आपको कहा जाए एक मूविंग बस है उसकी छत के साथ सिंपल पेंडुलम बांध दिया, जैसे वो यहाँ कह रहा है पेंडुलम इन अ लिफ्ट, तो अगर हम लिफ्ट की सीलिंग के साथ, लिफ्ट के साथ जो है हम पेंडुलम बांध देते हैं और हम कहते हैं इट इज सेट इन टू ऑसिलेशंस,
तो आपने उस पेंडुलम को जो है वो बांध दिया सीलिंग ऑफ लिफ्ट के साथ। सो उस केस में जो है वो हम कहेंगे कि जो सिंपल पेंडुलम है वो वर्टिकल मोशन में है, और अगर हम बात कर रहे हैं किसी हॉरिजेंटल सिस्टम की, उसमें मैंने कहा जैसे मूविंग जो है वो बस में हो सकता है, तो उसमें अगर मूविंग बस की छत के साथ इस तरह से हमने एक पेंडुलम जो है उसको बांध दिया है, तो आप देखें इस तरह से वो एंड इट इज सेट इनटू ऑसिलेशंस। तो अब वो वर्टिकल मोशन भी हो सकती है, वो हॉरिजेंटल मोशन भी हो सकती है, फॉर्मूले दोनों के लिए सेम ही अप्लाई होने हैं। और से सुनना है, अगर हॉरिजेंटल सिस्टम, अगर आपने जो पेंडुलम है किसी बस की छत से बांधा हुआ है, किसी एग्जामिनर कह देता है ट्रक की छत से बांधा हुआ है, एंड दैट इज एक्सेलरेटिंग, सो उसमें जो है वो फॉर्मूला अप्लाई होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी प्लस ए, अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा हो। और इन केस ऑफ लिफ्ट जो है, अगर आपसे कहा जाए कि लिफ्ट है सेंडिंग अप, अप का मतलब है ऊपर की तरफ जा रही है, सेंडिंग अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रही हो, तो आपको याद होगा चैप्टर नंबर 5 में आपने रियल और अपेरेंट वेट वाले केस डिस्कस किए थे, उसमें अपवर्ड के लिए हम जो है वो एम जी प्लस एम ए करते थे, इसका मतलब है जी प्लस ए यहाँ बनेगा। सो ये आपने याद रखना है। इसमें अगर आप गौर करें तो डिनोमिनेटर इस केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है टाइम पीरियड जो है वो रिड्यूस यानी डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है इफ अ सिंपल पेंडुलम जो है इज टाइड टू द सीलिंग ऑफ ए लिफ्ट और लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, तो उसका टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। जितना उसका एक्सेलेशन ज्यादा हो जाएगा, एक्सेलेशन ज्यादा होगा उतना उसका टाइम पीरियड कम होता जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाले आपने याद रखने हैं। और दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है, या आप कहें जी मूविंग बस जो है उसका एक्सेलेशन डिक्रीज कर रहा है, सो उस दोनों केस में आपने जो है वो जी माइनस ए करना है। तो जी माइनस ए का मतलब अगर हम कह रहे हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी माइनस ए कर रहे हैं हम, इस केस में देखें डिनोमिनेटर में जो है वैल्यू ऑफ जी कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। अगर टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी फिर इस केस में क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी में जो है वो आगे कहता है कि यही वाले दो जो दूसरे वाला केस है उसमें अगर सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड इन अ लिफ्ट डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, इसका मतलब है ये वाला जो केस है आपका कौन सा केस बन गया, फ्री फॉल वाला। अब अगर जो है वो फ्री फॉल में है, अगर जो फ्री फॉल कोई भी जो आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो फ्री फॉल में है, तो हमें पता है उसके अंदर जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो वेटलेसनेस की कंडीशन में आ जाते हैं। इस केस में जी माइनस ए की जगह जी माइनस जी हो जाएगा। अब जी माइनस जी क्या होगा, जीरो, समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। इस केस में हम कहेंगे कि टाइम पीरियड जो है उसमें क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया तो इस केस में फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो। अच्छा, एक बात याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी जीरो होने का यहाँ क्या मतलब है, मैंने लिखा है इट विल नॉट वाइब्रेट, वो वाइब्रेट ही नहीं करेगा, उसकी जो मोशन है वो सीज हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, अब एग्जामिनर कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में सिंपल पेंडुलम जो है उसके बारे में स्लो या फास्ट कहता है, स्लो या फास्ट को आपने रिलेट किससे करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ। मतलब अगर वो फास्ट मूव कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर वो स्लो मूव कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। सो आपने उसको फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करना है। अगर इसका मतलब है टाइम पीरियड अगर इनफाइनाइट हो जाए तो फ्रीक्वेंसी जीरो होने का मतलब है इट विल नॉट वाइब्रेट। यहाँ मैंने लिखा है अनदर एग्जाम्पल क्या हो सकती है इसी वाले केस की, अ पेंडुलम इन अ स्पेसक्राफ्ट। अब जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं, जितने भी स्पेसक्राफ्ट हैं, वो सारे के सारे हमेशा कौन सी कंडीशन में होते हैं, वो फ्री फॉल में होते हैं। हमेशा उनका एक्सेलेशन जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है और इक्वल टू क्या होता है, जी होता है। इसका मतलब है अगर आपसे कहा जाए कोई सिंपल पेंडुलम जो है आपने कहाँ प्लेस किया हुआ है, किसी सैटेलाइट में प्लेस कर दिया उसको, तो उसमें जियोस्टेशनरी सैटेलाइट में प्लेस कर दिया है, तो आपने कहना है कि वहां पर उसका टाइम पीरियड क्या होगा, इनफाइनाइट, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से एक और केस है टनल थ्रू अर्थ, अक्सर जो है वो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर हम किसी तरह से अर्थ को जो है ना उसमें एक टनल बना दें, थ्रू आउट द अर्थ जो है एक टनल बना दें, तो वहां जो भी ऑब्जेक्ट आप प्लेस करेंगे तो वैल्यू ऑफ जी की वजह से जो है ये आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ और जी जो है वो वैल्यू ऑफ जो है वो ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला जो है उन्होंने ड्राइव किया। हमें फॉर्मूला ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको जो है वो एज लर्न याद रखना आपने
तो उसमें जो है वो क्या होता है कि अक्सर क्वेश्चन जो है अब तक इसके फॉर्मूले से कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया पास्ट पेपर्स में भी। जस्ट ये याद रखना है कि अगर हम टनल यहाँ बना देते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर उस टनल में अगर प्लेस करेंगे तो चूंकि दोनों तरफ ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के जो है वो सेम है तो वो क्या करेगा, जो बॉडी है वो यहाँ पर वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और उसकी जो मोशन है वो कौन सी होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। वो पीरियोडिकली अपनी मोशन को क्या करेगा, आप बार बार जो है वो रिपीट करेगा, इस वजह से उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगी। सो कहते हैं इफ अ टनल मेड क्रॉस द अर्थ अ बॉडी ड्रॉप्ड इनटू इट देन द बॉडी विल एग्जीक्यूट कौन सी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आर ओवर जी होगा। यहाँ आर चूंकि रेडियस ऑफ अर्थ है, जी वैल्यू ऑफ जी है, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो उसका आंसर आता है 5076 सेकंड्स। इतने टाइम में जो है वो वाइब्रेशन उसकी कंप्लीट होगी, उसका जो टाइम पीरियड होगा वो ये होगा कि पूरा वो चक्कर जो है 5076 सेकंड्स के अंदर अंदर जो है वो ये चक्कर लगा लेगा। आप इसको एकदम मिनट्स में भी कन्वर्ट करके देख लेना, हो सकता है इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कभी पूछ ले। नेक्स्ट आपने याद रखना है सेकंड्स पेंडुलम जो होता है हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड्स पेंडुलम अक्सर जो है वो पेपर में पूछा जाता है सेकंड पेंडुलम क्या होता है। हमने ना एक पेंडुलम जो है उसके जो टाइम पीरियड है उसको फिक्स कर लिया है। कितना फिक्स किया है, हमने कहा कि ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली 2 सेकंड हो उसको ना क्या कह देते हैं, सेकंड्स पेंडुलम कह देते हैं। और उसका जो है वो टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा और फ्रिक्वेंसी जो है उसकी कितनी होती है, 0.5 हर्ट्ज, और लेंथ जो है हम कहते हैं 0.99 सेंटीमीटर, या इसको कहता है जी कि वो 1 मीटर होगी। ठीक है जी, ये उसकी लेंथ होगी। अच्छा, इसमें से अपना एक दो और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो टिपिकल क्वेश्चन लेंथ से रिलेटेड पूछे जाते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन चूज किए हैं, जरा गौर करना इनके ऊपर। अ सिंपल पेंडुलम इज शिफ्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून देन इट्स अ टाइम पीरियड विल, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो वैल्यू ऑफ जी पर डिपेंड करता है। तो अब मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का कितना होती है, 1/6 times ऑफ डेट ऑफ वैल्यू ऑफ जी होती है, 1/6 times एट डेट ऑफ जी। इसका मतलब है कि यहाँ अगर हम जी की वैल्यू जी बाय 6 पुट करेंगे तो टाइम पीरियड जब देखेंगे 6 डिनोमिनेटर में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंडर रूट 6 बनेगा। अगर अंडर रूट 6 को मैं बाहर निकाल लूँ तो ये टाइम पीरियड जो है वो कितना बनेगा, ये ओरिजिनल का यानी 2 पाई अंडर रूट L/G ओरिजिनल था ना, तो ओरिजिनल का कितने टाइम बनेगा, अंडर रूट 6 times बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम एक सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड अर्थ के ऊपर पहले टी था उसको हमने मून के ऊपर शिफ्ट कर लिया है तो क्या होगा कि उसका टाइम पीरियड जो है डेट विल इंक्रीज के रूट 6 times उसका टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें इसी तरह का सेम स्टेटमेंट लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया। उसने कहा जी आज सिंपल पेंडुलम जो है इज शिफ्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून, हाउ लेंथ ऑफ पेंडुलम बी चेंज सो डैट इट्स टाइम पीरियड जो है विल रिमेन्स सेम, उसका टाइम पीरियड चेंज ना हो। कहता उसकी लेंथ को हम एडजस्ट कर लें ताकि उसका टाइम पीरियड चेंज ना हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में गौर करें कि टी न्यू टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट L/G/6। ऐसे करते हैं ना आप, चूंकि वहां पर जाके वैल्यू ऑफ जी जो है वो जी बाई 6 हो जा रही है। आप क्या करें, आप चाहते थे कि टाइम पीरियड चेंज ना हो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कहता है कि लेंथ को इस तरह से एडजस्ट करें कि टाइम पीरियड चेंज ना हो। तो कैसे करेंगे, आप लेंथ को भी 1/6 कर दें। देखिए ना, अगर वैल्यू ऑफ जी जो है वो 1/6 times हुई है, लेंथ को भी 1/6 times कर दें, 1/6 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसका मतलब है टाइम पीरियड जो है डेट विल नॉट चेंज। तो बड़ी सिंपल बात है, अगर लेंथ अगर वैल्यू ऑफ जी बढ़ रही है, डबल हो गई सपोज करें, तो लेंथ को भी डबल कर दें तो 2/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हम कहेंगे टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। सो इस कंडीशन में चूंकि मून पे जब जाते हैं तो ग्रेविटी 1/6 times कम हो जाती है, तो आपको लेंथ को भी 1/6 times करना पड़ेगा ताकि वो दोनों फैक्टर्स आपस में क्या हो जाएं, कैंसिल आउट, और टाइम पीरियड जो है वो चेंज ना हो। तो अक्सर इस क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, हालांकि कन्फ्यूजन बनती बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी सिंपल बात है कि लेंथ और जी डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो जितनी अमाउंट से ग्रेविटी चेंज होगी उतनी अमाउंट से ही आप लेंथ को चेंज करते हैं। अगर ग्रेविटी कम हो रही है लेंथ को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि एल और जी समझ लें यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर आप लेंथ डबल करते हो तो ग्रेविटी भी डबल कर दें तो वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड डेट विल रिमेन सेम। तो अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें वो कहता है कि जो है ना टाइम पीरियड जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, आप बताएं कि वो कंडीशन क्या होगी।
एक क्वेश्चन आई थिंक यहाँ टाइम पीरियड से रिलेटेड जो है वो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट भी है, वो मिस हो गया, वो मैं आपको सेकंड फेज में जो है अभी बताता हूँ। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब आपने करना ये है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह है ना, इसके फॉर्मूले अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। संडे भी आ रहा आपका, चूंकि मैंने कहा था आपको जो ये ऑसिलेशन वाला टॉपिक है स्पेशली, इसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, सो इसकी प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। लेक्चर जो है इसको मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ में कन्वर्ट करके भी आपको भेज दूँ। आपने इसके फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस बार बार करनी है, सारा एक दफा अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि आपका जो अपकमिंग टेस्ट है ना इसका, वो आपका 100% होना चाहिए, उसमें कोई गलती ना हो। मैंने कोशिश की है कि इसमें जो सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के हैं, तब जैसे मैंने सिंपल पेंडुलम रिलेटेड हर एक में से देखें, एक एक जो कॉन्सेप्ट है वो सारा आपको करवा दिया। सो चाहे अब टाइम पीरियड जो है वो सस्पेंडेड इन लिफ्ट वाला आ जाए, किसी मूविंग बस वाला आ जाए, चाहे वो आपको लिक्विड वाला आ जाए, टनल वाला आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको आंसर कर सकते हो। सेकंड पेंडुलम वाला आ जाए आप उसको आंसर कर सकते हैं, सिर्फ आपने कॉमन सेंस को भी यूज करना साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कल लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा था, चूंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन लेते हैं कि उसकी पीरियोडिक मोशन होनी चाहिए। पीरियोडिक का मतलब है कि उसमें सिस्टम फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, तो फ्रिक्शन लेस है तो एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी, तो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है डेट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। The kinetic energy is converted into potential energy and potential energy is converted into kinetic energy, but total amount of energy that will remain constant at each point. So law of conservation of energy यहाँ पर applicable है। अब formula आपने सबसे पहले revise करने हैं, उनको अच्छे से याद करना है। Kinetic energy instantaneous का formula, kinetic energy instantaneous का formula होता है 1/2 k x naught square into 1 - x square over x naught square। हाँ, A levels की book में ना ये फॉर्मूला ऐसे नहीं लिखा हुआ है, वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। सिर्फ उसने वहाँ क्या किया, वहाँ वो के की वैल्यू को ना वहाँ यूज नहीं कर रहा, तो वहां पर जो है उसने लिखा ओमेगा की वैल्यू हमें पता क्या होती है, स्क्वायर रूट के ओवर एम। अगर मैं यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ तो के की वैल्यू बनेगी एम ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है यहाँ अगर हम के की वैल्यू पुट कर दें तो वो 1/2 के की जगह क्या आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर इनटू 1 - x square over x naught square। तो ये वाला फॉर्मूला भी जो ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी किसका है, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला है। सो ए लेवल्स की बुक में इसको इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी फॉर्मेशन आपने याद रखनी है, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या होता है, के ओवर एम। अच्छा जी, एट द मीन पोजिशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम इफ डेट इज क्या होता है जी, काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर। कैसे, मीन पोजिशन के ऊपर अगर हम यहाँ एक्स की वैल्यू में जीरो पुट कर दूँ, इस वाले फॉर्मूले में मैं एक्स की वैल्यू अगर जीरो पुट कर देता हूँ तो ये फॉर्मूला रह जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर। और इसी तरह से जो है आप देखें 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर क्या है, टोटल जो है एनर्जी, तो इसका मतलब है मीन पोजिशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू इक्वल टू टोटल एनर्जी होती है, जो कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी। तो आप देखें एट द एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। इसी तरह से काइनेटिक इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 के एक्स के एक्स पे, तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पुट करेंगे, जबकि मीन के ऊपर जो है वो क्या होती है, जीरो। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाके क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा जबकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर जो टोटल है इसका सम जो है वो दोनों का वो किसके इक्वल होगा, वो टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। तो पहले ये चीजें अंडरस्टैंड करनी है, इनके फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करने हैं आपने, फिर हमने जो है वो इनके क्वेश्चन जो है हमसे पंखे लेने हैं। टोटल एनर्जी जो है एट एनी पॉइंट जो है वो इन दोनों का सम होगी, काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस प्लस पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस। आप इन दोनों फॉर्मूलाज को ऐड करके भी देख सकते हैं, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर इंटू 1 - x square over x naught square। आप इसको इसमें ऐड कर लें 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर में, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर ही आंसर आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस, पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस, टोटल एनर्जी के इक्वल होगी। यहाँ से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है, पेपर में बहुत दफा रिपीट हुआ है, अगर एम्पलीट्यूड डबल कर दें हम तो टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कितनी हो जाएगी।
सो फिर टोटल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट स्क्वेयर है, यानी एम्पलीट्यूड का होल स्क्वेयर है। तो अगर हम एम्पलीट्यूड डबल कर देते हैं तो टोटल एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 times हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये बेटा फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करने हैं, उसके बाद आते हैं इसके कर्व की तरफ। इसका जो ग्राफ है बिटवीन एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट जो है, ये एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। इसमें तीन आपको कर्व नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले ना कर्व इसका जो है वो ऊपर वाली लाइन वाला जो कर्व है उसकी हम बात करते हैं। इसमें आपको ना तीन कर्व जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो है वो सबसे पहला जो कर्व आपको नजर आ रहा है वो है आपकी यहाँ पर लाइन जो है ये ऊपर वाली लाइन, जिसको हम एनर्जी डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, ये वाली लाइन जो है। ठीक है जी। ये जो लाइन है ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, टोटल एनर्जी को। ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी जो है ये पैरेलल टू जो है ना ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। इस एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है। इसका क्या मतलब है, किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है टोटल एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं होनी। मीन पोजीशन पे भी वही है, एक्सट्रीम पोजीशन पे भी वही है। थ्रू आउट द मोशन जो है, जो आपके पास टोटल एनर्जी है उसकी वैल्यू किसी पॉइंट पर जो है वो चेंज नहीं होती, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये वाला जो है वो टोटल एनर्जी का कर्व है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये जो ब्लू वाली लाइन है ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी पैराबोला। ये पैराबोला जो है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है, एक्सट्रीम की तरफ जाए तो मिनिमम हो जाती है। ये जो डॉटेड लाइन है ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह के ग्राफ बोलते हैं हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला इसको बोलते हैं, ये वाला ये पोटेंशियल एनर्जी हाइपरबोला है, जबकि ये वाला जो है ये पैराबोला है। ठीक हो गया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पैराबोला, पोटेंशियल एनर्जी हाइपरबोला। पोटेंशियल एनर्जी मीन पे जीरो है, जबकि एक्सट्रीम पे क्या है, मैक्सिमम। अच्छा, ये वो पॉइंट है जहां दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ये वाला जो पॉइंट है जहां दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अच्छा, अब आते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। अगर को आपसे पूछता है, ये बताएं बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने इसमें आंसर भी करना है अभी चैट में। अब बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाउ मेनी टाइम्स इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। एक वन कंप्लीट ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी दफा आपस में इक्वल होते हैं। ऊपर वाले ग्राफ में हुआ ये कि आपने इस कर्व में दो पॉइंट आपको नजर आए, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, आपने आंसर कह दिया 2 times। लेकिन वन कंप्लीट ऑसिलेशन की बात करें तो इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में कितनी दफा इक्वल होते हैं, 4 times। जरा गौर करना है, मैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए बॉडी को ऑसिलेट करवाता हूँ। मैंने स्टार्ट किया एक्सट्रीम पोजीशन से, तो लेट्स से मैं एक्सट्रीम से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से एक दफा क्रॉस कर गए, दूसरी तरफ गए, इस पॉइंट से भी एक दफा क्रॉस कर गए। अब क्या वन कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई, कंप्लीट नहीं हुई, अभी वापस भी आना है। तो वापस आना शुरू हुए, इस पॉइंट पे दोबारा गुजरे, फिर इस पॉइंट से दोबारा गुजरे। इसका मतलब है इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन आप इन दोनों पॉइंट से कितनी दफा गुजरेंगे, 2 दफा। तो 2 times आप इस पॉइंट से गुजरेंगे, 2 times इस पॉइंट से क्रॉस करेंगे। इसका मतलब है इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में कितनी दफा इक्वल होते हैं, 4 times। तो आंसर यहाँ पर है 4 times। क्लियर है जी। अच्छा, आगे देखो, ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड टाइम पीरियड जब आप बनाते थे तो तब 4 points नहीं आते थे। अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे देखें कि जब आप एनर्जी और टाइम के इन बिटवीन कर्व बनाते हो तो वहां पर जो है वो मीन पोजीशन के ऊपर, यानी कि आप देखें तो आप उसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। फिर क्या हुआ कि इस पॉइंट पे ऊपर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो गए, अगेन यहाँ आके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। सो इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन 1, 2, 3, 4 यहाँ पॉइंट बनाए हैं, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 4 times आपस में इक्वल होती है। एक और क्वेश्चन का आंसर दें जी, जरा सोच के। क्वेश्चन है जी, आप बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन जो है, इट्स अब तीन क्वेश्चन है जी मैंने पूछे। इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन है,
a body is executing simple harmonic motion for what displacement from the mean position for kehta ji from mean position its kinetic energy becomes equal to potential energy. Dusra question hai, its kinetic energy is half of its maximum value. Yes, potential energy is half of its maximum value. Or answers hain isme x naught over 2, x naught over square root 2, x naught over 4, x naught over 3. Gaur se sunen. Baat ye hai ki ye jo question hai na, ye jo teen maine likhe hain, in teenon ki statement ka matlab ek hi banta hai. Gaur se sun lo. Maine bola ये जो तीनों क्वेश्चन है इन तीनों का आंसर भी सेम है, इनका मतलब भी सेम है. ठीक हो गया? अब देखो कैसे. अच्छा, अब इसमें जो है वो इस तरह से कि अभी बेटा दोबारा अगर ये टाइम आउट हो गया तो मैं दोबारा लॉग इन कर दूंगा साथ ही, ताकि कंटिन्यूसली लेक्चर की रहे. इसमें देखें, इसलिए कि ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है. और से सुनना कैसे. वो पॉइंट जहां पर काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वो पॉइंट जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल हो जाती हैं, इसका मतलब है उस पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी का हाफ काइनेटिक एनर्जी होगी, उस पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी का हाफ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी. सो ये वो पॉइंट होगा जहां पर टोटल एनर्जी का हाफ काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी का हाफ पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक हो गया? अच्छा, अब इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, सो मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की क्या हो सकती है, टोटल वैल्यू के इक्वल. पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, टोटल एनर्जी के इक्वल. इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल होती है, उस पॉइंट के ऊपर जो है क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी अपनी मैक्सिमम यानी टोटल वैल्यू का हाफ होगी. तो तीनों का सोल्यूशन भी सेम बनता है और आंसर भी सेम बनता है. कौन सा आंसर है? बीटा. तो आपने सिंपल क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस को पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस के इक्वल कर लेना. तो अब काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस होती है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर. 1/2 के 1/2 के से कैंसिल आउट, ये x नॉट स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो x नॉट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया. x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर. और यहां से x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा x नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2. तो ये वो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल भी होती हैं, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अपनी मैक्सिमम यानी टोटल वैल्यू का हाफ होगी. यानी इस पॉइंट के ऊपर जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है ना, तो हाफ काइनेटिक एनर्जी होगी और हाफ क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी होगी. ठीक है जी. अच्छा, अभी आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 और प्लस 15 का टेस्ट जो हमारा लास्ट टाइम हुआ था. इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, बीम ऑफ प्रोटॉन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स यू, इट अप्रोचेस एंड पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड. इसमें हमें पाम राइट हैंड रूल यूज करना है. अच्छा, यहाँ ना डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जितने भी रूल हैं, पाम राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कोई भी रूल आ जाए आपको, उसमें सिर्फ याद ये रखना है कि ये जो सारे रूल्स होते हैं दे आर एप्लीकेबल फॉर पॉजिटिव चार्जेस ओनली. तो कन्वेंशन ये है कि हमने ये सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस के लिए अप्लाई करना है. तो सबसे पहले इस तरह का डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आए, आपने नोट करना है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव है तो जो आपको पाम रूल आपको डायरेक्शन बता रहा हो वही आपकी डायरेक्शन होगी. अगर यहाँ नेगेटिव हो तो जो रूल आपको बता रहा हो उसके आपने अपोजिट डायरेक्शन में आंसर देने. या चेक करते हैं जी, इसमें जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है तो जो रूल मुझे बताएगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होनी चाहिए. जो थंब है वो मैंने डायरेक्शन ऑफ मोशन ये वेलोसिटी को शो करेगा, जबकि फोर्स जो है वो पाम जो है वो फोर्स को शो करेगी. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे मुझे गिवन है मैं ये रूल इस तरह से अप्लाई कर दूंगा. इसमें जो मैं जो है वो मिडिल फिंगर अपने राइट हैंड की जो है वो डाउनवर्ड रखूंगा, चूंकि उसने मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड कहा है डाउनवर्ड. इसमें जो है जाहिर है फोर्स, तो इसमें देखो ना वो कहता है प्रोटॉन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स यू. तो जब आप उसको थंब को अपनी तरफ जो है ना वो रखेंगे, थंब जाहिर है डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है, तो थंब जो है वो आपने अपनी तरफ रखना है. जब थंब आप अपनी तरफ रखोगे सो आपको जो है वो ये पाम बताएगी कि किस तरफ जाना है, जो है वो अपने वेलोसिटी वेक्टर जो है वो अपनी तरफ रखना है. वेलोसिटी वेक्टर जो है ये टुवर्ड्स यू,
ठीक है जी, ये जो मिडल फिंगर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डायरेक्टेड जो है वो क्या होगी, डाउनवर्ड। अब ये फोर्स जो है इसके ऊपर अप्लाई होगी, तो ये आपको बताएगा कि पार्टिकल जो है वो किस तरफ जो मूव करेगा, डेट विल मूव टू वर्ड्स। अब देखें यहाँ पर, अगर देखें इस तरह हाथ रख के, तो आपका यहाँ पर किस तरफ इसने मूव करना है, टूवर्ड्स राइट, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, टूवर्ड्स राइट। ठीक हो गया। तो अगर जो है मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है और इसमें जो है वो ये आपकी तरफ आ रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो आंसर आपका जो है वो क्या आ जाएगा, टूवर्ड्स राइट, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। अच्छा बेटा, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो फिर हम जो है वो आंसर क्या देते, लेफ्ट, क्योंकि जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर पॉजिटिव चार्जेस ओनली। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से, आपने यहाँ भी रूल अप्लाई करना है। इसमें कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता। अब यहाँ पर जाहिर है डिफ्लेक्शन जो है वो अगर जिस तरफ होगी बाय रूल अप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आएगा, हमें बताएगा पॉजिटिव चार्ज के बारे में। सो उसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ये जो बी है, जिस डायरेक्शन बी जो आपको बताया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमारे पास जो इस तरह के डॉट होते थे, इसका मतलब होता है फील्ड इज जो है वो क्या होती है, आउट ऑफ द पेपर। ठीक है, फील्ड आउट ऑफ द पेपर है। सो इसमें जो है वो हमारे पास फील्ड अगर आउट ऑफ द पेपर है, और ये जो बी है ये चूंकि सीधा पास कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ए और सी चूंकि डिफ्लेक्शन आई है इनमें, इसका मतलब है इनमें चार्ज होगा। वो हम जरा चेक कर लेते हैं बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल अप्लाई करें, अपना जो राइट हैंड है उसको आप जो है वो उसकी जो मिडल फिंगर है वो आउट ऑफ द प्लेन रखेंगे। जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, थंब जो है वो आप इसी की डायरेक्शन में रखेंगे इस तरह से। ठीक है जी, आपने प्लेस करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो पाम है वो आपको राइट की तरफ रिफ्लेक्शन दे रही है। इसका मतलब है सी जो है वो लाजमी तौर पर, सी वाला जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी सी कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा अकॉर्डिंग टू रूल जो आप अप्लाई कर रहे हो, जबकि ए यहाँ पर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव चार्ज को। जो कि मैंने शुरू में बोल दिया था, रूल जो है ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस के लिए अप्लाई होते हैं, नेगेटिव चार्जेस के लिए अप्लाई नहीं होते। तो जो भी आपका आंसर है उसका आपने अपोजिट आंसर दे देना है नेगेटिव चार्ज के लिए। क्वेश्चन थ्री इज वेरी सिंपल। इसमें सोलेनोइड है, उसकी लेंथ गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, करंट गिवन है, आपने मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बताना है। वो फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को। यहाँ से बेटा B इज इक्वल म्यू नॉट एन ओवर एल आई, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है, लेंथ 0.15 है इंटू 5। इसको सॉल्व करें, बहुत सिंपल है, आंसर आपका 1.25 × 10⁻²⁰ टेस्ला, यानी अल्फा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 4.1, अ पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू मैस एम ऑर्बिट्स परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म जो है। अच्छा, इसमें जो है वो हमें पता है कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलरली एंटर होता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो सर्कुलर पाथ एग्जिबिट करता है। अगर वो सर्कुलर पाथ एग्जिबिट करता है रेडियस आर, तो उसको जो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। सो एम बी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू, जो कि परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी क्यू बी बी। यहाँ से बी एक बी से कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से वेलोसिटी आपके पास आ गई क्यू बी आर ओवर एम, जो कि वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर वन कंप्लीट जो है वो रेवोल्यूशन पूरे एक चक्कर के लिए। डिस्टेंस कितना होगा 2πr, और टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन को हम टाइम पीरियड कहते हैं। यहाँ टी कर दें, बी की वैल्यू जो ये जो फाइंड की थी यहाँ पुट करें, आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को क्या बोलते हो, फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाय 2πm। तो यहाँ से आप टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हो और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, मैंने इसको कैलकुलेट भी कर दी है। इसका आंसर जो है वो क्यू बी ओवर 2πm होगा। ठीक है जी, तो सिंपल है ये। इसमें v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम से हमने कैलकुलेट करना है, जस्ट इस फॉर्मूले से v की वैल्यू यहाँ पुट करें एंड यू गेट द आंसर। नेक्स्ट जो है जी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 5 बेसिक इन्फॉर्मेशन, कैन टू कन्वर्ट गल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर, वी कैन वी कनेक्ट व्हाट। हम लो रेजिस्टेंस जो है पैरेलल लगाते हैं, जिसको हम शंट रेजिस्टेंस भी कहते थे। तो गल्वानोमीटर के पैरेलल अगर हम एक लो रेजिस्टेंस यानी शंट रेजिस्टेंस लगा दें, इसको बाईपास रेजिस्टेंस भी कहते हैं या लो रेजिस्टेंस भी कहते हैं, तो हमारे पास जो है वो क्या बन जाता है, एम मीटर। नेक्स्ट 6 में अगेन जो है वो आपके पास क्वेश्चन जो है वो, इसमें प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द सेम वेलोसिटी, द पीरियड ऑफ रोटेशन जो है
यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है। इसमें देखो ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके फॉर्मूला अकॉर्डिंग 2πm/qb यानी रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ से टाइम पीरियड देखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख लें एज इन अ गिवन क्वेश्चन वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सो इसमें जो है वो टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन टू टाइम पीरियड अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन ओवर मास ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन अल्फा ओवर चार्ज ऑन प्रोटॉन, चूंकि चार्ज डिनोमिनेटर में है। मास ऑफ प्रोटॉन और अल्फा जो है 1:4 रेशो होगी इनकी, चूंकि मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज जो है सो डबल होता है। सो इसमें आपका आंसर जो है वो 1:2 बनेगा। सो यहाँ से हम अल्फा पार्टिकल पे टाइम पीरियड देखें तो वो 2 टाइम्स ऑफ एज दैट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन होगा, तो इसका मतलब आंसर आपका बीटा बनता है। सो द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विल बी 2 टाइम्स डेट ऑफ प्रोटॉन, इसमें आंसर आपका बेस्ट कौन सा बनेगा बीटा। 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, अक्सर आपको जो है मल्टीपल चॉइस में नजर आएगा पास पेपर में भी। इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो है वो अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो तो एफ ई जो है हम इज इक्वल टू क्या कहते हैं एफ बी इलेक्ट्रिक फोर्स होती है क्यू ई, एफ बी मैक्सिमम जो है वो क्या होगी क्यू ई बी, क्यू बी उसे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा ई इज इक्वल टू बी वी या ई जो है बी बी, तो आंसर आपका अल्फा बनता है। यहाँ ये भी याद रखना है, अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड बताएं किसके इक्वल होती है, तो द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके इक्वल होती है वेलोसिटी के, इसका जो यानी यूनिट भी कभी कभी पूछा जाता है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, तो आंसर आपका होना चाहिए मीटर पर सेकेंड। 8 वाला जी, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन इट विल बी मैक्सिमम व्हेन, ये सिंपल है जी, जब हम उसको परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसकी जो कंडीशंस हैं वो हमने मिनिमम और मैक्सिमम के लिए पढ़ी हुई हैं। अगर अल्फा हम जीरो रखें और इसमें पैरेलल रखें टू द फील्ड तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो फोर्स भी क्या हो जाएगी जीरो। लेकिन अगर राइट एंगल पर रखते हैं यानी परपेंडिकुलर रखते हैं तो साइन 90 चूंकि 1 होता है तो फोर्स क्या होगी मैक्सिमम, तो इसमें आंसर आपका क्या आ जाएगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्शन से रिलेटेड है जी, 0.5 मीटर स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है, सो हम डायरेक्शन को साइन ड्रॉ कर लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें फोर्स गिवन है आई एल बी, साइन जो है वो यहाँ से 90 चूंकि परपेंडिकुलर कह रहा है वैल्यू पुट करें तो आपका फोर्स का आंसर तो 0.5 आ जाएगा, सिंपल है ये वैल्यूज पुट करने से। लेकिन उसने डायरेक्शन पूछी है डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो बाय राइट हैंड रूल अगर गौर करें तो चूंकि उसने वर्टिकली डाउनवर्ड कहा है मैग्नेटिक फील्ड को, आपने वर्टिकली डाउनवर्ड रख लिया, करंट जो है वो जाहिर है आप थंब की रख लेंगे करंट की डायरेक्शन में थंब को, जबकि पाम हमें किसकी डायरेक्शन बता देगी फोर्स, तो अगर आप गौर करें तो इसके अकॉर्डिंग जो है इस डायरेक्शन को साइन के अकॉर्डिंग जो है पाम जो है उसकी डायरेक्शन ही फोर्स की डायरेक्शन पाम के अकॉर्डिंग क्या बनेगी नॉर्थ साउथ, इसलिए जो साउथ डायरेक्शन में, सो जाहिर है पाम जो है वो साउथ की तरफ है, इसलिए आपने आंसर क्या देना है नॉर्थ टू साउथ, मीन साउथ जो है आंसर आपका 0.5 न्यूटन साउथ आ गया। नेक्स्ट है जी, इसमें 10 बहुत सिंपल है जी, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है जीरो होता है, ये हमेशा आंसर इसका जीरो होगा। हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क सिंस इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, सो जो है वो स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है, सिर्फ ये जो है ना चार्ज पार्टिकल के पाथ को डिफ्लेक्ट करती है, सो इसका मतलब ये है कि हेंस हम कहते हैं इट इज ओनली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, सो इसका सिंपली आंसर जो है वो क्या होगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो सिंपल, अभी अभी हम बात कर रहे थे सर्कुलर पाथ की, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है वो सर्कुलर पाथ एग्जिबिट करता है, उसके अकॉर्डिंग सेंट्रिपेटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ से वही एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर, सो आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी, यहाँ से पी ओवर क्या आ जाएगा क्यू बी, और यहाँ से मोमेंटम जो है वो ऑफ द पार्टिकल पी जो है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है। अच्छा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें सो आर यहाँ से हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिल रहा है स्पीड के, सो उसने यहाँ पूछा इफ स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डबल देन रेडियस क्या होगा, तो रेडियस भी डबल हो जाएगा क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें रेडियस और स्पीड आपस में क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप स्पीड डबल करेंगे तो रेडियस भी डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर का डबल करें तो 4 सेंटीमीटर, ये जस्ट आपके रिवीजन के लिए मैंने टॉपिक लगा दिया ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सको, आपको जो
रेडियस है ये जो पाथ है उसका, ये सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो डायरेक्टली पोर्शनल टू क्या हो सकता है, मोमेंटम भी यानी एम वी ओवर क्यू भी, और इनवर्सली पोर्शनल टू क्या चार्ज, ये याद रखना है सर। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें जस्ट याद रखना है कि रेडियस डायरेक्टली पोर्शनल टू क्या है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड डबल करेंगे तो रेडियस भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट जी क्वेश्चन, ये भी सिंपल है जी, इसमें कीवर्ड है सेम डायरेक्शन, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन, दोनों सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, विल कीप ऑन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन बट इट्स स्पीड विल डिक्रीज। अच्छा यहाँ पर देखो, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसकी वजह से उसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं उसकी वजह, जो कि डायरेक्शन सेम है। और अगर एंगल 90 हो तो हम कहते हैं फोर्स मैक्सिमम अप्लाई होगी तो वो फिर डाइवर्ट कर देगा, उसमें डिफ्लेक्शन आएगी। लेकिन अगर फील्ड पैरेलल हो, जैसे इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं सेम डायरेक्शन, सो सारा सेम डायरेक्शन की वजह से उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी किस्म की फोर्स अप्लाई नहीं होगी, तो इट विल, इसीलिए हम कहेंगे कि इट विल कीप ऑन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा पॉजिटिव से क्या होती है, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट मीन्स डैट कि यहाँ पर जो है, अगर हम कहें जी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो इस तरफ जो है वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो पॉजिटिव है तो अदर साइड पे जो है वो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। सो इलेक्ट्रॉन जो है उसने मूव करना है फ्रॉम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो जाहिर इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स जो है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स भी थी, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुई क्योंकि एंगल उसका जीरो था। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो वर्क डन करती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चूंकि इलेक्ट्रॉन है और अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है सो इट मीन्स दैट हम यहाँ से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस नेगेटिव इस साइड की तरफ चूंकि जा रहा है तो माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर आपका जो है बेस्ट आंसर फिर बेटा क्या बनता है, डेल्टा बनता है। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो डेल्टा बन रहा है। और इसमें जो है वो ये वाली सारी कंडीशंस जो है एक दफ़ा रिवाइज कर लेनी आपने, जब एंगल 90 हो तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आती है, जब पैरेलल और 180 हो तो दोनों सूरतों में जो है वो जीरो फोर्स होती है, और अगर जो है वो कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे हो, आपको कहा जाए फॉर चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बताएं इसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होगी, जीरो फोर्स अप्लाई होगी, क्योंकि इस केस में वेलोसिटी उसकी क्या होती है, जीरो होती है। तो साथ साथ बेटा मैंने जो है वो ये रिवीजन के लिए सारी चीजें साथ साथ लगाई हैं ताकि आप उनको अच्छे से रिवाइज भी कर लें। नेक्स्ट बहुत ईजी है, इफ द न्यूक्लियस मूव्स एट सम एंगल लेस देन 90, न्यूक्लियस मीन पॉजिटिव चार्ज, जब भी न्यूक्लियस की बात करें वो पॉजिटिव चार्ज है, सो लेस देन 90 है तो लाजमी तौर पर हेलिक्स यानी स्प्रिंग लाइक पाथ बनेगा। बड़ी सिंपल है, जीरो और 180 हो तो क्या बनता है, स्ट्रेट पाथ। 90 पे जो है वो अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो कौन सा पाथ बनता है, सर्कुलर पाथ। और अदर देन 0, 90, 180 या 270 हो तो फिर जो है वो याद रखना है कौन सा पाथ बनेगा, स्प्रिंग लाइक पाथ बनेगा। और 45 अगर एंगल हो तो परफेक्टली हेलिकल और जो है ना वो परफेक्टली स्प्रिंग लाइक पाथ बन जाएगा, तो वैसे जो है वो हम कहेंगे हेलिकल पाथ, हेलिकल बन स्प्रिंग लाइक पाथ ही बनेगा। अच्छा जी नेक्स्ट बहुत इजी है, टेस्ला किसके इक्वल होता है, ये 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले से आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो, बी इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल, यहाँ से आपने इसको डिफाइन भी किया था वन टेस्ला को और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, इसको एक दफा रिवाइज कर लेना आपने। सोलेनाइड हैव नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये सिंपल है जी, इसका फॉर्मूला बताना है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। 16 में कहता है मैग्नेट मूव इन टूवर्ड्स द कॉइल क्विकली एंड स्लोली एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें हम कहेंगे लार्जर इन वन केस, उसकी वजह है हमने पढ़ा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड मूविंग द लूप फास्टर और रिप्लेसिंग द लूप बाय मेनी टर्न्स, क्योंकि आप उसको बहुत तेजी से जब मूव करवाओगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि इस केस में हम कहेंगे कि लार्जर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो आंसर इसमें बेटा अल्फा बनेगा।
नेक्स्ट है जी, इसमें क्वेश्चन नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसमें रेट ऑफ चेंज ज्यादा है। सो इसमें देखें कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है, 500 हर्ट्ज। ऑल्टरनेटिंग करंट होता ही कौन सा है, चेंजिंग करंट। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना वो ज्यादा ऑल्टरनेट करेगा तेजी से, और जितना चेंज ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा और ईएमएफ भी ज्यादा इंड्यूस होगी। इसलिए आंसर जो है इसमें कौन सा बनता है, चार्ली। नेक्स्ट जो है, सर्कुलर रूप ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज कैप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अलोंग द एक्सिस एंड ईएमएफ विल नॉट इंड्यूस्ड इन इट व्हेन। बेटा इसका सिंपल आंसर जो है वो डेल्टा है, इफ इट इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम उसको पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो प्लेन है उसको पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रख देंगे तो क्या होगा कि उसमें से जो है वो उसका एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या रहेगा, जो है वो 90। और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है हमने पढ़ा था कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, तो जब कॉस 90 हो जाएगा तो जाहिर है उसमें जो है वो जो है उसमें जो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स ही जीरो हो जाएगा। फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो ई एम एफ भी जीरो हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह का ना एक क्वेश्चन जो है आपने बुक में पॉइंट पॉइंटर में पढ़ा था, अगर आपके पास एक लूप हो और उसको आप जो है वो सर्कुलर लूप को जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में जो कि डायरेक्टेड डाउनवर्ड है उसमें आप फॉल करवाते हो। सो इसमें इस केस में जब गौर करें कि पॉइंट टू के ऊपर जो है फ्लक्स टू द रिंग इंक्रीज करेगा क्यों, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट टू डिक्रीज द फ्लक्स जो है, तो यहाँ पर जो है उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये सेंटर पे है तो रेट ऑफ चेंज दोनों तरफ जो है वो उसके दोनों किनारों की तरफ क्या है, सेम है, वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में फॉल कर रहा है। तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ही नहीं आ रहा, तो चूंकि देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। इसका मतलब है जब वो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर रहा होगा तो किसी किस्म की कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चूंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगी। लेकिन जो ही ये इसको इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से बाहर निकल होगा, अगेन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लूप जो है उसको अपोज करेगा मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, तो यहाँ पर जो है वो करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या बनेगी, क्लॉक वाइज। तो ये वाला क्वेश्चन एक दफ़ा आपने रिवाइज कर लेना है, जो बुक में भी पॉइंट टू पॉइंट गिवन है उसको भी अच्छे से देखिएगा, इसमें जो है वो रूल भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन जो है। 19 जो है कहते हैं जी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड अलोंग द साउथ नॉर्थ डायरेक्शन फॉल्स अंडर द ग्रेविटी देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। उसकी वजह यह है कि अगर आपने उसको नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ रखा हुआ है, जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी साउथ से नॉर्थ ही होती है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। आपने उसकी लेंथ जो है उसको रखा ही अलोंग दी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। जब हम एक कंडक्टर को लॉन्ग दी मैग्नेटिक फील्ड रख देते हैं तो एंगल जीरो हो जाएगा, जैसे मोशन ईएमएफ में पढ़ा था माइनस वी बी एल साइन थीटा, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, चूंकि आपने रॉड को भी इसी के अलोंग रखा है, इसी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखा है, इस वजह से जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो आपने रॉड को प्लेस कहाँ किया है, अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर प्लेस किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डायरेक्शन और वो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। सो इट मीन्स कि यहाँ पर जो है वो किसी किस्म की ईएमएफ जो है वो इंड्यूस नहीं होगी। सो इसमें आंसर आपका चार्ली बन जाता है। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन, ये भी बड़ा सिंपल है। द करंट फ्लोइंग थ्रू टू कोएक्सियल कॉइल्स इन द सेम डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू। देखें, अगर दो हमारे पास कंडक्टर हैं उनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हमने पढ़ा था कि जाहिर है ड्यू टू जो है वो द फिनोमिना ऑफ जो है वो आप कह सकते हैं, इनमें जो है वो ये वाला जो है इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सो ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो है दोनों जो है वो एक करंट जो है वो एक दूसरे की इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे, तो जाहिर है दोनों में करंट जो है वो कम होगा अगर वो दोनों एक दूसरे के पास हैं। तो जब आप उनको डिस्टेंस उनके दरमियान बढ़ाओगे तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट का सॉरी मैग्नीट्यूड जो है उसमें इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब वो एक दूसरे के पास थी तो उन दोनों के जो करंट थे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो एक दूसरे में क्या यूज कर रहा था, ईएमएफ, जिसकी वजह से जो ईएमएफ होती है वो हमेशा अप्लाइड जो वोल्टेज होती है या अप्लाइड करंट जो होता है इंड्यूस करंट हमेशा जो उसमें करंट फ्लो कर रहा होता है उसको अपोज ही करना है ना उसने। इसका मतलब जब वो पास थे तो वो एक दूसरे के करंट को डिक्रीज कर रहे थे, लेकिन जो ही आप उनको दूर करेंगे तो
वहां पर जाहिर है वो इफेक्ट उनका एक दूसरे से कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, तो उन दोनों में करंट की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर देगी। 21 में व्हेन अ मैग्नेटिक मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल फेसिंग द सर्कुलर कॉइल इज विथड्रॉन अवे अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल देन द करंट। ये बड़ा सिंपल है जी। इसमें जो हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ, लेंजेज लॉ क्या कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज जो है। अब देखें अपोजेज इट्स कॉज, और कॉज क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे देखो एक हमारे पास सर्कुलर लूप है ना, उसमें अगर करंट पास कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू जो रूल है, इसको हम फैंटम बार मैग्नेट भी कहते थे, अगर किसी लूप में करंट पास कर रहा है ना, तो डेट कैन बी कंसीडर्ड जस्ट लाइक अ टाइनी बार मैग्नेट। एक इसका नॉर्थ पोल होगा, इसका क्या होगा साउथ पोल। तो अगर इसमें लेट से करंट पास कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम क्या कहेंगे, इसके टॉप पे एरो लगा दें। जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है, आप उस लूप के टॉप के ऊपर अगर ना एरो लगा दें, सो उससे आपको क्या होगा, यहाँ पे लेट से जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं क्या करूँ यहाँ पर ना इसकी टॉप के ऊपर ना इस डायरेक्शन में यूँ एरो लगा दूंगा। सो जिस डायरेक्शन में करंट होगा, जिस तरफ एरो है ना, वो आपका कौन सा पोल होगा, वो नॉर्थ पोल होगा। ये एरो इस तरफ है तो ये आपका जो है वो पोल कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा। अदर जो पोल होंगे वो कौन से होंगे, जाहिर अदर पोल जो है वो कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल। अगर ये नॉर्थ पोल है तो जाहिर है इधर वाला कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। अच्छा आप देखें, अगर एक मैग्नेट जो है इसकी तरफ आ रहा है, तो जाहरी तौर पर यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ, इस रिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी है, जो करंट इंड्यूस होना है, उसने उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सच डेट इट अपोजेज द चेंज कॉज। तो उसने अपोज करने के लिए यहाँ लाजमी तौर पर कौन सा पोल बनना चाहिए, नॉर्थ पोल बनना चाहिए। उसके लिए मैं एरो उसका जाहिर है इसके ऊपर या इस तरफ लगाऊंगा, तो ये जो है उसमें डायरेक्शन जो है वो कौन सी बनेगी, एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है जी। अच्छा अगर आप उसको अवे पुल कर रहे हो, दूर लेके जा रहे हो इस तरफ, तो जाहिर है इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो उस डायरेक्शन में होना चाहिए कि वो उसकी डायरेक्शन को अपोज करेगा, उसको दूर जाने से रोकेगा। तो इसमें मैं एरो इस तरफ लगाऊंगा, तो यहाँ फिर साउथ पोल बनेगा इस तरफ, जाहिर है इधर मैंने एरो लगाया, जिस तरफ एरो लगाया ये जिस तरफ एरो होगा ना, उस तरफ आप कहेंगे वो नॉर्थ पोल बनेगा। अब अगर ये साउथ पोल बन गया है, तो वो साउथ जो है वो नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके दूर जाने से रोकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारा आंसर क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज, जो कि वो कह रहा है विथड्रॉन अवे, दूर जा रहा है। तो जब आप इसको दूर लेके जाओगे, तो अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट होना चाहिए शरीर का, ताकि उसको दूर जाने से रोके, और अगर जो है वो यहाँ पर उसको पास लेके आओगे, तो यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, ताकि वो दूर जाने से उसको जो है ना वो पास आने से रोके। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ जो है वो आपने इसको देखना आंसर कौन सा है, क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है जी आपके पास 22, द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो है ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन, ये आपकी बुक में भी है, मीडियम बिटवीन द कॉइल, सेपरेशन बिटवीन द कॉइल, तो आंसर इज बोथ ए एंड बी, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। इफ एन नंबर ऑफ टर्न्स जो है, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर बच्चे इसका आंसर जो है वो एन दे देते हैं, ऐसा है नहीं, एन एन, तो इसका आंसर असल में क्या है, एल इज इक्वल टू हमारे पास म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल होता है। यहाँ पर स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये लेंथ भी है, तो एक लेंथ लेंथ से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, बाकी आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ से जो इंडक्टेंस होती है, सेल्फ इंडक्टेंस याद रखना है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के इक्वल होती है, तो लेंथ ऑफ द इंडक्टर। तो ये आपने बेटा याद रखना है, ये वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है। 24 जी, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन सीरीज विद लार्ज इंडक्टर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सोर्स, डीसी सोर्स। अच्छा ये बड़ा सिंपल है, इसमें करना क्या आपने, देखो एक बल्ब है और बल्ब के साथ जो है वो एक आपने एक डीसी सोर्स जो है वो जो है ना, या एसी सोर्स या डीसी सोर्स लगाते हैं। यहाँ पर ये एसी सोर्स है, या आप यहाँ डीसी सोर्स भी लगा सकते हैं। तो आयरन रॉड जब इसके अंदर रखेंगे इंडक्टर के अंदर, तो कहता है जी इफ एन आयरन कोर इज इंसर्टेड इन टू द इंडक्टर द डिले विल, तो डिले जो है इसका डिक्रीज हो जाएगा, उसकी रीजन क्या है देखते हैं। अगर आप आयरन कोर इंसर्ट कर देते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल मैग्नेटाइजेस द आयरन, इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, तो हेंस द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल जो है वो इंक्रीज कर गई, यहाँ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बढ़ जाएगी। अगर इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बढ़ गई है, तो कॉन्सिक्वेंटली इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस, एज ए रिजल्ट लार्जर फ्रैक्शन ऑफ अप्लाइड
AC voltage appears across the inductor and leaving less voltage across the bulb, तो bulb जो है वो वो उसकी light dim हो जाएगी, उसका glow dim हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन जब हम DC source की बात करते हैं तो DC source में brightness पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि हमने पढ़ा था book में कि जो inductor होता है वो DC के लिए open circuit की तरह behave करता है, sorry क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करता है, उसमें से जो डीसी करंट है वो इजीली पास कर जाता है, लेकिन जो इंडक्टर है उसने सिर्फ और सिर्फ अपोज किसको करना है, एसी को, उसकी वजह से इसके अराउंड जो है वो क्या प्रोड्यूस होती है, इंडक्टेंस या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। सो यहाँ पर जो है वो कहता है जी उसकी अनचेंज एज द रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय द कॉइल टू डीसी करंट क्या होती है, जीरो, तो उसकी ब्राइटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिड्यूस द बल्ब कनेक्टेड टू द सेम मोर नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा देंगे क्या होगा, ब्राइटर हो जाएगा बल्ब दैट इज कनेक्टेड टू द कॉइल विद फ्यूअर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो डिमर हो जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ बढ़ा दें तो अब डिले का मतलब क्या है, अगर आपने आयरन कोर उसमें इंसर्ट कर दिया तो डिले मीन यहाँ पर बल्ब जो है वो जल्दी रोशन हो जाएगा लेकिन उसकी जो ब्राइटनेस है वो क्या रहेगी, वो सेम ही रहेगी। नेक्स्ट ईवर 25 इज अ सिंपल न्यूमेरिकल फार्मूला यूज ऑन 1/2 LI² लेकिन यहाँ सिंपल है कि आई की वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है, वो वी ओवर आर वाले फार्मूले से आप जो है ना फाइंड करेंगे तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे यू विल गेट द आंसर, आंसर इज 250 जूल। 26 में जी लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये किसकी कंस्ट्रक्शन में जो है वो यूज होता है, जनरेटर जी, तो ये सिंपल है। और नेक्स्ट भी सिंपल है जी, इसमें देखें इसमें सिर्फ आपने ना एक स्टेटमेंट देखनी थी, द कॉइल डायनेमो रोटेटिंग, डायनेमो इसी को बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर को, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ द कॉइल थ्रू हेंस डेवलप प्रोड्यूसिंग में फॉल्सो चेंजेस, स्टेटमेंट बतानी है कौन सी ठीक है। सो अगर लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो मैक्सिमम पास कर रही हूँ तो जाहिर है ईएमएफ भी क्या होगी, मैक्सिमम ही होगी, तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस मैक्सिमम पास करेंगी इस कॉइल एरिया कॉइल से उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो ज्यादा होनी है, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें आपका आंसर कौन सा बनता है, डेल्टा। 28 में जी हीट लॉस का आपने बहुत दफा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ अगर हम करंट को किसी तरह से रिड्यूस कर लें और वोल्टेज कम कर लें तो पावर लॉस या हीट लॉस कम हो जाते हैं और वो अल्टरनेटिंग करंट के केस में पॉसिबल है, डीसी करंट के केस में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो वर्ल्ड वाइड लॉन्ग ट्रांसमिशन होती है उसमें कौन सा करंट यूज होता है, अल्टरनेटिंग करंट, जो कि ट्रांसफार्मर से हम उसको स्टेप अप भी कर सकते हैं स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, तो उसमें आंसर आपका बीटा बनता है। 29 जी कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड जो है वो क्यों किया जाता है, एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करंट्स को मिनिमाइज करने के लिए, इसमें आंसर बीटा बन रहा है। एडी करंट्स डू नॉट कॉज डैम्पिंग हीट लॉस, सारा चूंकि एडी करंट का जो है वो एनर्जी लॉस करता है, डैम्पिंग भी होती है हीटिंग की वजह से, इसका मतलब ये हुआ इसका आंसर जो है वो नन है, चूंकि उसने कहा डू नॉट कॉज, तो ये सारे कॉज होते हैं, डैम्पिंग भी होती है, एनर्जी डिसिपेट भी होती है, हीटिंग भी होती है, लॉस ऑफ एनर्जी भी होती है, एक ही बात है ये तीनों, इसका मतलब आंसर नन हो जाए। 31 में जी कहता है कंडक्टिंग रॉड इज मूव थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस इट्स एंड्स डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड। देखिए आपकी बुक में चैप्टर नंबर 15 में पहले पेज पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही उसने ये देने की कोशिश की है कि एप्सिलॉन यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आईआर और ये कांस्टेंट रहता है, इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, तो अगर हम लूप जो है वो हाई रेजिस्टेंस वाला यूज करेंगे तो इंड्यूस करंट कम हो जाएगा, अगर हम कम रेजिस्टेंस वाला यूज करेंगे इंड्यूस करंट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है वो ईएमएफ के इक्वल होता है, इंड्यूस ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल होती है। 32 में जी मोमेंट कंडक्टिंग इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ दिस फॉर्म अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 33 भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेंजेस लॉ जो है इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, एनर्जी। लेंजेस लॉ जो है किस लिए होता है, इट इज ओनली यूजफुल टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो है, तो इसका आंसर क्या बनता है, डेल्टा। तो याद रखना है लेंजेस लॉ जो है वो हमें हेल्प करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिसाइड करने के लिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी ईएमएफ की रेशियो जो है इसके लिए दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, चार्ज टू मास रेशियो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज होती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये जो स्मॉल वी है ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चार्ज टू मास रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो है वो चार्ज टू मास रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, सिंपल रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों फॉर्मूले चार्ज टू मास रिलेशन आपने रिवाइज करने हैं। 36 जी डायमेंशंस फाइंड करनी है, सिंपल है, फाइव बी इज इक्वल टू बी होता है, फाइव बी किसको कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका यूनिट होता है वेबर,
बी जो है वो इसका यूनिट होता है टेस्ला एरिया का मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें, टेस्ला होता है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन सबको सॉल्व करें तो यू गेट आंसर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू पर एम्पियर। वैल्यूज पुट करें तो आपके पास डायमेंशन आती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। तो सिंपल क्वेश्चन था जी। 37 में आपसे कहता है पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इंड्यूस्ड मैक्सिमम, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगी अगर जो है ना कंडक्टर जो है वो किसके अक्रॉस रखें। अभी अभी हमने कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम तब होगी जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे मैक्सिमम होगा, और वो तब होगा अगर आप ये जो प्लेन ऑफ कॉइल है उसको अगर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रखते हैं। सो अगर हम ये एम वाली डायरेक्शन, ये जो आपने ऊपर रखा हुआ है इसको, ये प्लेन को, इसको इसको जो है वो ये देखें, ये डायरेक्शन है आपकी, ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके जो वो कहते हैं जी व्हेन द कंडक्टर मूव, अब कंडक्टर को अगर हम ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे तो वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा। एम की तरफ अगर उसको आप मूव करवाओगे तो ज़ाहिर है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। सो एम का इसके साथ देखें एंगल कितना बना है 90। तो अगर हम अपर डायरेक्शन यानी एम की डायरेक्शन उसको मूव करते हैं तो उसमें चूंकि आप परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड उसको मूव करवा रहे हो, उसमें मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होगी। आंसर इज डेल्टा। 38 भी इसी तरह का, इसमें फॉर्म राइट हैंड रूल यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो है वो कहता है पॉजिटिव जी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है, तो इसका मतलब है ये एक्स है ये वाई है, तो डॉट का मतलब ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है तो और वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये थंब की डायरेक्शन आपने इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखनी है, तो फोर्स जो है वो किस तरफ लगेगी, बी की तरफ, ए से बी की तरफ। इसका मतलब है सारा चार्ज पॉजिटिव जो है वो बी पे इकट्ठा हो जाएगा और नेगेटिव का इकट्ठा होगा कॉम्युलेट होगा ए पे कॉम्युलेट हो जाएगा, ठीक है जी। एंड थर्ड इसका आंसर बीटा बनेगा। 39 में पावर इनपुट इज इक्वल पावर आउटपुट आइडियल ट्रांसफार्मर की होती है, श्योर है। 48 जी मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द मोटर, बुक की लाइन है इसमें, सारी जो है बुक की लाइन ये सारी इंपॉर्टेंट है। मोटर इज ओवरलोडेड बैक ईएमएफ डिक्रीज कर जाती है एंड इट अलाउज मोटर टू ड्रॉ मोर करंट, ये सारी बुक की लाइन है। जब मोटर ओवरलोड बियॉन्ड द लिमिट हो जाती है तो फिर हम कह देते हैं हीटिंग इफेक्ट जो है वो बर्न हो गई है। और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ना मोटर पोजेस द वोल्टेज रनिंग द मोटर एंड दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ सो कहते हैं बैक ईएमएफ, और बैक ईएमएफ इंक्रीजेस एज द स्पीड ऑफ द मोटर इंक्रीजेस। ये वाला कॉन्सेप्ट उसने यहाँ पूछा इस क्वेश्चन में। और बैक ईएमएफ जो है उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला जो है आपने पढ़ा हुआ था वो क्या था, आई इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ, यानी ये बैक ईएमएफ है ओवर क्या आ गया रेजिस्टेंस, यहाँ से बैक ईएमएफ फाइंड भी कर सकते हैं। तो ये जो है वो यहाँ से करंट ऑफ फ्लोइंग टू द मोटर। अब देखें जो जो बैक ईएमएफ इंक्रीज करेगी करंट जो है वो क्या करता जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो एज द मोटर स्पीड्स अप बैक ईएमएफ इंक्रीज करती है तो मोटर जो है वो क्या होती जाएगी, उसमें करंट जो है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो अगर अचानक मोटर बहुत स्पीड पकड़ ले या बहुत स्लो डाउन हो जाए, दोनों सूरतों में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा और ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस करेगा, जितनी ईएमएफ बढ़ेगी करंट की जो है वैल्यू कम होती जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। इसको रिवाइज करना सारे टेस्ट को मैं पीडीएफ फॉर्म में भी अपलोड कर आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। उसको दोबारा अगर कोई क्वेश्चन है आपने ग्रुप में ही मुझसे पूछ लेना है, उसको मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।